आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। पितरों के प्रति कृतज्ञता, आदर, प्रेम, स्नेह आदि का पर्व माना जाता है पितर पक्ष को। पितर पक्ष में पुण्यों का स्मरण बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा उन्हें जल देने का विधान भी है। कहा जाता है कि पितर पक्ष में पितर पक्ष की कथा सुने बिना पुण्य शायद नहीं मिलता है। आइए जानते हैं पितर पक्ष से जुड़ी कुछ कथाओं के बारे में। पितर पक्ष में अगर आप भगवान विष्णु जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा अथवा हरिओम तत्सत लिखना न भूलिए। जानकार विद्वानों के अनुसार पितर पक्ष की एक कथा के अनुसार महाभारत के दौरान कर्ण जब ब्रह्मलीन हुए तब उनकी मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया, वह तो आहार तलाश रहे थे। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया। तब देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी खाना दान नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्र से कहा उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कभी उन्हें कुछ दान नहीं कर सके। इस सब के बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितर पक्ष कहा गया। अतः इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने का बहुत महत्व है। जानकार विद्वानों के अनुसार इसी तरह की एक अन्य कथा भी प्रचलित है। पितर पक्ष की इस पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। कथा के अनुसार पितर पक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह जोगे से बोली कि आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई, पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था? मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी अर्थात अग्नि में धूप, गुड़ आदि सुगंधित सामग्री डाली गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर एकत्र हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की प्रशंसा करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो दो जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई, भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा जाओ आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताईं। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई।
इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितर पक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी, जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। इस तरह की और भी कथाएं पितर पक्ष को लेकर प्रचलित है। पितर पक्ष में अगर आप भगवान विष्णु जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा अथवा हरिओम तत्सत लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।